हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। ये जो वीडियो होने वाली है हमारी, ये इस टॉपिक पे होने वाली है कि यू अपना यूट्यूब चैनल, खुद का यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। तो अभी बीच में एक कमेंट आया था कि भैया यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, इस पर एक वीडियो बनाओ। तो आज काफ़ी दिन हो गया तो आज मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। बीच में बहुत बिजी था जिसकी वजह से ये वीडियो बना नहीं पाया, तो आज मैं उस पर एक अलग ही वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है ना, ये ब्लॉग नहीं है, ये एक हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, अपना खुद का चैनल कैसे क्रिएट है, शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे क्रिएट करना है, कैसे कस्टमाइज करना है, टैग्स क्या है, टाइटल्स कैसे भरे जाते हैं और डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो कैसे की जाती है। तो ये हम यहाँ पर हम शुरू से लास्ट तक बता रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करना। ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ अपने मोबाइल से कर रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप भी है, उस लैपटॉप से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के पास मोबाइल हो रही है, तो ये सबको काम आएगा, ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल होता है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल पे आ गया हूँ। अब मैं अपने मोबाइल पे पहले यूट्यूब खोल लेता हूँ, सब यूट्यूब ओपन कर लेंगे। यूट्यूब ओपन होने के बाद आपको जाना है जो नीचे आप देखते हो, यूट्यूब जब ओपन हो जाए तो नीचे आप जो देख रहे हैं मेन्यू में आपको यू पे जाना है। यू पे जाओगे तो आपने जो ईमेल से साइन इन कर रखा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं शुरू से बता रहा हूँ तो इसलिए नया अकाउंट क्रिएट करके बताऊँगा कि किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हो आप ऑप्शन स्विच अकाउंट, इस पर आपको ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद आपने जितनी भी ईमेल आईडी से लॉगिन कर रखा हो वो सारी आ जाएंगी, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हम न्यू क्रिएट कर रहे हैं तो नए बनाएंगे। तो यहाँ जो आपको ऊपर देख रहे हो प्लस का आइकन, उस पर आपको ओके कर देना है। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ क्रिएट अकाउंट पर ओके करना है। क्रिएट अकाउंट पर जब ओके करोगे तो यहाँ दो ऑप्शन देता है, फॉर माय पर्सनल यूज, फॉर वर्क ऑफ माय बिजनेस। तो आपको फॉर माय पर्सनल यूज पर ओके करना है। उस पर ओके करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम रिक्वायर है, जो लास्ट नेम है ऑप्शनल, आप डालो या नहीं डालो। तो मैं फर्स्ट नेम डालता हूँ, कोई भी नाम ले लेता हूँ, डेमो। ओके, लास्ट नेम ऑप्शनल है, आप डालो या ना डालो। उसके बाद नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो इसमें मैं अपनी रियल बर्थ नहीं डाल रहा हूँ, ये आपके पास जानकारी के लिए। आप अपनी रियल बर्थ डालना क्योंकि यूट्यूब जो चैनल आप क्रिएट करोगे वो राइट होना चाहिए, नहीं तो आपको आगे एडिशन में किसी में प्रॉब्लम आ सकती है। यह इन्फॉर्मेशन फिल होने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछेगा क्रिएट, आप जो अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भी यूज कर सकते हो या आप कस्टम क्रिएट कर सकते हो। तो मैं कस्टम क्रिएट करके दिखाता हूँ। अगर वो ईमेल एग्जिस्ट होगी तो यहाँ आ जाएगी, नहीं तो वो बताएगा कि ऑलरेडी है, तो आप दूसरा नाम कोई चूज़ कर सकते हो, लाइक जैसे डेमो YouTube। इसे चेक करते हैं, ये वाला अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। यूजर नेम इट्स नॉट अवेलेबल, ट्राई अगेन, ये नहीं मान्य है, तो दूसरा कोई देखते हैं, लाइक आप कुछ इसमें नंबर एक डिजिट भी डाल सकते हैं, तो ये अवेलेबल नहीं है। तो नीचे इन्होंने ऑप्शन दे रखा है जो अवेलेबल है, आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं या आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो दोबारा चेक करने के लिए। ये अवेलेबल भी नहीं है, वो अवेलेबल हो गया था। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है, आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हो।
मैंने अभी सिंपल पासवर्ड डाला, आप स्ट्रॉन्ग डालना कि कोई आपका पासवर्ड जल्दी हैक ना कर सके। तो ये मैंने सिंपल डाला है, अब मैं इसके बाद नेक्स्ट करूँगा। नोट नाउ, यहाँ पर देख रहे हो आ गया है डेमो यूट्यूब संजीव कुमार सूरज 42। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वहाँ पर, आई एग्री कर देना। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये जो दूसरा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आपने एक ईमेल आईडी क्रिएट करी जो आपको यूट्यूब के लिए पर्सनल चाहिए। तो ये था जो अभी तक हुआ वीडियो, ये एक ईमेल आईडी क्रिएट हुई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आप चैनल क्रिएट करोगे। तो दोस्तों मैं उसी ईमेल आईडी से यहाँ लॉगिन हो गया हूँ यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं डेमो यूट्यूब। अब इसके बाद आप वहाँ नीचे डेमो यूट्यूब है जहाँ आपका टाइटल, उसके नीचे देखो क्रिएट ए चैनल, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, पिक्चर्स जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, नेम और हैंडल। पिक्चर्स में आप कुछ भी सेट कर सकते हो अवतार में। यहाँ से सिलेक्ट करके आप सेव कर सकते हो। उसके बाद आपका जो नेम आप रखना चाहते हो वही रख सकते हो या चेंज कर सकते हो। हैंडल में जिससे लोगों को सर्च करने में दिक्कत ना हो, हैंडल को यूनिक होना चाहिए। अब जैसे यूट्यूब था डेमो यूट्यूब, ये अवेलेबल है, देख लेते हैं। अगर सेव करोगे तो वो बता देगा ये अवेलेबल नहीं है, तो आप इसके आगे कुछ भी लगा सकते हो, लाइक डेमो यूट्यूब 42 ये अवेलेबल हुआ। अगर आप अभी यूट्यूब पे जाके इसे सर्च करेंगे डेमो यूट्यूब 42 तो ये डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको एट द रेट के साथ सर्च करना पड़ेगा, तो आपको ये डायरेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ नीचे जो दिख रहा है क्रिएट चैनल पे ओके कर देना है। आपका चैनल क्रिएट हो गया, यहाँ पर आप जाओगे देखोगे आपका एक चैनल बन गया और उसमें हैंडल भी बन गया। अब आप यहाँ व्यू चैनल पर करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, ओके। यहाँ तक ये स्टेप हो गया। अब जो हमारा अगला स्टेप है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स वगैरह है, जो फीचर्स वगैरह हैं वो ऑन करना है, तो वो हम काम यहाँ से नहीं करेंगे यूट्यूब से, उसके लिए हम क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना यूट्यूब क्लोज कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र सब में ही होता है, तो सर अब जो ईमेल आईडी अभी बनी थी उस ईमेल आईडी से आप स्विच कर जाना क्रोम ब्राउज़र में जो भी है। तो यहाँ देखोगे मैं क्रोम ब्राउज़र में स्विच हो गया हूँ। तो अभी जो आप में इस तरीके से नहीं दिख रहा होगा, तो इसमें एक चीज़ होती है सेटिंग, तो आप जो ऊपर 3 डॉट्स दिख रहा है जिसमें ये सब दिख रहा है तो अच्छी बात है, जिसमें नहीं दिख रहा तो ऊपर जो 3 डॉट्स दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ नीचे एक ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप साइट। डेस्कटॉप साइट पर आप चेक कर लेना, मेरा चेक है। तो आप जब चेक करोगे तो आपका भी कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, ओके। इसके बाद जो अगला स्टेप है, यहाँ अपने ईमेल आईडी पे जो आप लॉगिन हो उस पर ओके करोगे। उस पर ओके करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, थोड़ा जूम कर लेना। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्यू योर चैनल, उस पर आपको ओके करना। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर जो देख रहे हो, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कस्टमाइज चैनल एंड मैनेज वीडियो। तो हम कस्टमाइज चैनल पर ओके करेंगे। इस पर जब आप ओके करते हैं तो आपका ये डायरेक्ट ओपन होता है YT स्टूडियो, मतलब यूट्यूब स्टूडियो में कई बार। और ना ही तो आपको क्या करना है, उसी पे क्लिक रखना 2 सेकेंड, फिर ओपन न्यू टैब करना, ओके। ओपन न्यू टैब करोगे तो कुछ जैसे इसमें ओपन हो रहा है, तो इस तरीके से ओपन आ रहा। तो मेरी डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो डायरेक्ट इसने ले ली है और डायरेक्ट वो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, नीचे जाना है। नीचे थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, सेटिंग का आइकन दिखेगा, उस सेटिंग पर आपको ओके करना है, ओके।
उस सेटिंग पे ओके करने के बाद आपके पास जनरल सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी करेंसी चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट यूनिट्स लाइक INR वगैरह, USD वगैरह, यहाँ से करेंसी। लेकिन मेरे डिफ़ॉल्ट US डॉलर है तो वही रहने देते हैं। और जो चैनल्स की, जैसे जनरल सेटिंग होगी चैनल्स की होगी, चैनल में क्या है लाइक कंट्री रेजिडेंस, मतलब इंडिया का है तो यहाँ इंडिया डाल देंगे। यहाँ कीवर्ड्स वगैरह आएंगे, कीवर्ड्स लाइक आप डिफ़ॉल्ट में जो भी रखना चाहते हो, चैनल मान लो मेरा चैनल है ब्लॉगिंग पे, ये कीवर्ड्स उसके लिए है। जैसे आपका कोई भी चैनल हो गया, टेक्निकल चैनल हो गया, ब्लॉगिंग चैनल हो गया, इन्फॉर्मेशन और जो चैनल है उस चैनल के हिसाब से यहाँ कीवर्ड्स मान लो लाइक जैसे मेरा ब्लॉगिंग का था, मैं ब्लॉग एक टैग हो गया, ओके, दूसरा ब्लॉगिंग ब्लॉगर, ऐसे न्यू ब्लॉग, ये टैग्स हैं जो आप सर्चेबल में आते हैं यहाँ पर रख सकते हैं, ओके। इसके बाद थोड़ा जूम करोगे, यहाँ एडवांस सेटिंग में जाओगे, एडवांस सेटिंग में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ डिफ़ॉल्ट में रख देना ये नो वाला सेट करके, नो चैनल का जो है ऑडियंस मेड ऑफ किड्स, ये डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा, ओके, वो डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। अब आते हैं फीचर्स एंड इजिबिलिटी में। यहाँ पर आप देख रहे हो एक जो स्टैंडर्ड फीचर वो इनेबल है, इंटरमीडिएट फीचर इजिबल के लिए दिखा रहा है इनेबल नहीं है, एडवांस फीचर भी इनेबल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर ओके करोगे, यहाँ पर नो, यहाँ पर आपको वेरीफाई फ़ोन नंबर, तो आपका जो फ़ोन नंबर है उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। जब आप वेरीफाई कर दोगे तो ये भी इनेबल हो जाएगा, जो इजिबल दिखा रहा है वो भी इनेबल हो जाएगा। जो ये थर्ड वाला है एडवांस फीचर, इसके लिए आपको एक तो या तो वीडियो वेरिफिकेशन करो या अपनी आईडी वेरिफिकेशन करो। जब आप वीडियो अपलोड करते हो अपने फेस का वीडियो कुछ सेकंड के डाल के लिए वेरीफाई करना पड़ेगा, या तो आप अपनी आईडी से भी वेरीफाई कर दोगे तो ये इनेबल हो जाएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पर सेव कर देना, ये सेव हो जाएंगे। जनरल हो गया, चैनल हो गया, और अपलोड डिफ़ॉल्ट में आते हैं। ये अपलोड डिफ़ॉल्ट वो होता है जैसे हमने कोई वीडियो नहीं क्रिएट करी और उसे अपलोड कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या है कि भैया जो डिफ़ॉल्ट में हमने यहाँ सेट कर लिया, कई बार टाइटल जो है रहता है एक ही टाइटल रखना होता है, टैग्स वगैरह एक ही रखना होता है, वहाँ डिफ़ॉल्ट में हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जैसे डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट टाइटल सेट कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डिफ़ॉल्ट में, जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे तो ये लिखा हुआ वहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक, डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। अब वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आपको विजिबिलिटी बार बार सेट ना करना पड़े, तो यहाँ पर दे रखा है। आप डिफ़ॉल्ट में पब्लिक रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं या अनलिस्टेड रखना चाहते हैं, तो अभी मैंने पब्लिक रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट में एडवांस सेटिंग पे चलते हैं। यहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है यहाँ से आप ये सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हो, लैंग्वेज वगैरह हो गई या ठीक। इसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे, जो आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वो भी सेव हो गई है, पे कई पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना न्यू चैनल क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी आप अपना चैनल क्रिएट करें। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना एक खुद का नया चैनल बना सकते हैं और उस चैनल पर मेहनत करके आप ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, और साथ में अगर आप हमारे वीडियो पर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।